सेलेक्शन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी। आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, अब मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोगों को नहीं दी गई है, हम लोग पक्षकार है, हम लोगों को नहीं दिया गया है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है, मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष जितने भी पक्षकार हैं उस पर एकमत हो, सहमत हो तभी, अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। तो अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बार बार ये हो रहा है कि उम्मीदें क्या है आपकी? हम सबों को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही सारे रास्ते निकलेंगे जी। और ये लास्ट में जो टाइम अलॉट किया गया था कि एक एक आखिरी घंटे का वक्त मिलेगा, अलॉटमेंट होगी, उसमें फिर क्या रही है? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना रिजाइंडर रखा, उनके सारे जो तथ्य थे वो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, इसीलिए अभी जो है उस सारे आर्गुमेंट को कंक्लूड कर दिया गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। बोर्डिंग ऑफ रिलीज पे वक्त दिया गया था लेकिन वो नहीं हो पाया इस वक्त। देखिए, जब आप देखेंगे सारे पक्षों ने जो अपनी दलील दी है उसमें मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे भी अपना तर्क रखा है और इन सारे तर्कों को ध्यान में रख करके सारा जजमेंट रिजर्व किया गया। आज पूरी जजमेंट, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द एंटायर हियरिंग दैट हैज हैपेंड? यू सी, वी द हिंदू साइड्स हैव प्रेजेंटेड आवर केस एंड वी हैव क्रिटिसाइज्ड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट टू द एक्सटेंट हाउ द 1/3 शेयर ऑफ द लैंड हैज बीन गिवन टू द मुस्लिम साइड। वी हैव गिवन द लीगल सबमिशंस ऑफ दैट, फैक्चुअल सबमिशंस, एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस that this 1/3 share given to Muslim side by the High Court is totally illegal, erroneous, and it is not as per the evidence and whatever pleading the Muslim side had in their suit. So the judgment is beyond the pleading and prayer made by the Muslims. Also, Rajiv Dhawan made a clarification post-lunch on the tearing of the paper. What do you have to say on that? You see, the tearing of the paper, he has not apologized before the court that the act which he has done prior to lunch was totally unethical and it was a kind of misconduct by him. Varun ji, thank you.